फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। आइए नजर डालते हैं एक बड़ी खबर की ओर। मेरठ स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल में आज मोटापे दिवस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अमित उपाध्याय ने बच्चों में उत्पन्न हो रही मोटापे की समस्याओं पर जानकारी देते हुए बताया कि समय तेजी से बदल रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोटापे की शिकायतें ज्यादा आने लगी हैं। मोटापा भारत में महामारी के तौर पर विस्तृत हो रहा है, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर इस मोटापे का इलाज कराना बेहद जरूरी है। बच्चों में बढ़ता मोटापा गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर अमित उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है या विश्व मोटापा दिवस, WHO इसको मनाता है कई साल से, और इस दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चों में व बड़ों में ओबेसिटी या ज़्यादा वेट का जो प्रचलन बढ़ रहा है, इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसको रोका जा सके। इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 30-40% इन लास्ट 25 ईयर्स। 30% इंक्रीज इन ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब कम उम्र में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आना, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आना, डिसलिपिडीमिया की प्रॉब्लम आना। ये बीमारी आमतौर पर हम एडल्ट्स के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि अगर एक साल पे आप में एक्सेस फैट है तो उस बच्चे को एडल्टहुड में जाके लिपिड की प्रॉब्लम हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, ये 30% ज़्यादा होती है। एक साल की उम्र तक अगर आपका वेट एक्सेसिव है तो आपको डायबिटिक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की चांस एडल्टहुड में 30% बढ़ जाती है। सो बचपन से लेकर हमें ओबेसिटी और ओवरवेट के ऊपर ध्यान देना है। ओबेसिटी आती है केवल एक्सेस खाने से और कम एनर्जी निकालने से। सो हम बच्चों को जंक फूड खिलाते हैं, उनको शुगर रिच फूड खिलाते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खिलाते हैं, उनको फैट रिच फूड खिलाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिसमें तेल घी ज़्यादा होता है, तो वो चर्बी के मात्रा में हमारे लिवर में, हमारे एब्डोमेन में, हमारे बटक्स में जमा हो जाता है और वो आगे जाके दिक्कत देता है। प्लस आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है कि फ़ोन पे लगे रहते हैं, वीडियो गेम देखते रहते हैं। उनके खेलने का मतलब, उनके यहाँ पे आजकल तात्पर्य हो गया बाहर फील्ड में जाके खेलना नहीं, उनके तात्पर्य हो गया वीडियो गेम पे गेम खेलना। फुटबॉल खेल रहा हूँ मतलब मैं टीवी पे फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं ग्राउंड में जाके नहीं खेल रहा। उसका एक कारण ये भी है कि पार्क्स कम हो गए हैं। हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा बच्चों को कि वो सेफली खेल सकें। स्कूल्स में भी PT पीरियड्स वगैरह कम रहते हैं, हमें उन पीरियड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओबेसिटी ना केवल ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों की खड़े, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही बहुत लेके आती है। अगर किसी बच्चे को लोग चिढ़ाते हैं मोटा कह के, तो उसके अंदर डिप्रेशन और एग्रेशन या सबड्यू होना, सारी चीज़ें पॉसिबल रहती हैं। इसका बहुत मानसिक रोग का भी वो बच्चा बीमार हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।